सुप्रभात बच्चों, हम नीति के दोहे रहीम जी के द्वारा रचित अध्याय नंबर 3 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम नीति के दोहे के रूप में अध्ययन कर रहे थे रहीम जी के द्वारा रचित। तो उसमें हमने यहाँ तक जो आपका बिक्री पात बने नहीं लाख करो इनको यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। और इसमें हमने पढ़ा था कि बिगड़ी बात नहीं बनती है कि लाख रोकिन को, यानी कितनी ही फिर क्यों ना कर ले, यानी अपने मान सम्मान को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए, कोई भी बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए उसको। फिर बाद में हमसे कितने ही कोशिश प्रयत्न कर लें, वो बात वैसी की वैसी नहीं बन पाती। जिस प्रकार से रहीम फाटे दूध को मथिन माखन होए, यानी दूध जो बच्चों फट जाता है उससे फिर मक्खन नहीं जमता है, वह दूध भी नहीं जम पाता है और नहीं उसे घी या माखन मालो नहीं निकाल पाते हैं उससे। तो इसलिए यह सब बात कही है रहीम जी ने कि कभी भी बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, अपने मान सम्मान को जाने नहीं देना चाहिए। फिर हम कितने प्रयत्न कोशिश कर लें वो वैसा के वैसे हमें प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक हमने कल अध्ययन किया था बच्चों विस्तृत रूप से। आगे हम इससे 11 नंबर पेज के जो आखिरी जो एक पंक्ति के रूप में स्टार्ट हो रहा है जो दोहा, उससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर विपत्ति बहे धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, यानी जब विपत्ति आती है, यानी सुख दुख दो हमारी ज़िंदगी के दो ऐसे पहलू माने जाते हैं बच्चों। अगर हमारे पास सुख है, हमारे सुख के दिन चल रहे हैं, हमारे दिन अच्छे चल रहे हैं, तो हमारे पास सिंचित सारी जितनी धन संपत्ति चाहिए, वो लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, वो हमारे पास रहेगी या हमारे हर कार्य में हमारे सहयोग मतलब सहयोगी बनेगी, सहयोग रहेगा उस संपत्ति का, हमारे दिन सुखपूर्वक रहेंगे, हर हमारी कमाई लाखों करोड़ की संपत्ति भी हमारे साथ रहेगी। लेकिन जैसे ही विपत्ति के दिन आते हैं बच्चों, फिर विपदे बहे धन ना रहे, यानी जैसे ही विपत्ति के दिन दुख के दिन स्टार्ट होते हैं, तो हमारे जो लाखों करोड़ों जो संपत्ति कमाई हुई है वो भी हमारे पास नहीं रहती है। यानी लाख करोड़ यानी करोड़ को कहा गया यहाँ पर, भी कितनी ही हमारे पास संपत्ति क्यों ना कमा ली हो, लेकिन वो हमारे पास नहीं रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति का वर्णन किया है कि जब सुख और दुख जो इस प्रकार के आते हैं, तो ये दोनों स्थिति एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी कि अगर सुख है तो हमारे पास साधन रहेंगे, हर हमारा साथ देगा, हर कोई हमारी मदद करेगा, हमारी संपत्ति भी हमारे साथ होगी। और जैसे दुख के स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, या तो विपत्ति के दिन शुरू होते हैं, तो वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और सारे सारे हमारा साथ है छोड़ जाते हैं। यानी हमारे जो खुद हम हमारे अपने होते हैं, जो हमारा अपने होने का दम्भ भरते हैं, वो भी हमारी मदद करना बंद कर जाते हैं। जैसे नभ तारे छिपी जात है, यानी कि जिस प्रकार से आकाश के अंदर तारे छिप जाते हैं सूर्य के उगने से, यानी जैसे सूर्य उदय होता है, अपनी किरणें फैलाता है, अपना प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आकाश के अंदर जितने भी तारे होते हैं वो धीरे धीरे छिपते हुए लुप्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। उसी प्रकार से संकट आने पर भी जो हमारे चारों तरफ जो मदद करने वाले होते हैं, या जो हमारी जो संपत्ति होती है, कमाई हुई संपत्ति होती है, वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, वो भी गायब हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर रहीम जी सुख दुख का जब समय का दोनों को ये जिंदगी के दो पहलू बताए हैं, ऐसी परिस्थितियाँ बताई है कि मनुष्य को इस सुख और दुख में एक समान एक जैसी स्थिति बनाकर रखनी चाहिए, एक जैसा व्यवहार आचरण करना चाहिए कि कभी भी दुख भी आ सकता है और सुख भी। तो यानी कि दोनों जिंदगी के दो पहलू के रूप में माने हैं यहाँ पर। तो बच्चों इस तरह से हमें ये उदाहरण दृष्टांत के रूप में दर्शाए हैं यहाँ पर, अलंकार हम उदाहरण अलंकार के रूप में इसको तो मान सकते हैं कि जो सूर्य का उदाहरण देते हुए कि सूर्य के आने से जितने भी आकाश के अंदर तारे होते हैं सब लुप्त हो जाते हैं, और जैसे सूर्य छिपता है तो उसी प्रकार से वो तारे वापस वैसे के वैसे उसी स्थिति में हमें नज़र आने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रहीम जी मनुष्य को यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि हमें कभी भी सुख और दुख की स्थिति में हमें अपना व्यवहार आचरण नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अगर सुख के दिन है तो कभी भी हमें विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है, और अगर विपत्ति हमारी विपत्ति है, आज हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो ये दुख के दिन भी धीरे धीरे बीत जाएंगे और धीरे धीरे वापस उसी तरह सुख के दिन आने लगेंगे। फिर चारों तरफ हमारी वही खुशियाँ होगी, सभी वही हमारे साथ होंगे, वही हमारी जो संपत्ति धन संपदा है वो फिर से होने लगेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनी मतलब स्थिति अपना आचरण
नहीं बदलने के, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमेशा अपना आचरण बिल्कुल वैसे करना चाहिए, सदमार्ग को अपनाते हुए हमेशा ही नीति के साथ अपना कार्य करता रहना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जैसे क्रोध, ये भोर, तो मतलब यहाँ पर और की जो तो वर्ण है, स्वर के वर्ण की आवृत्ति हो रही है, स्वर वर्ण की, तो ये इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार रहेगा यहाँ पर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा दोहा है यहाँ पर। तो आगे बढ़े हम, और यहाँ रही बात प्रसंग की, तो यहाँ प्रसंग बच्चों वही सेम उसी प्रकार का है, सिर्फ यहाँ पर आपको उस प्रसंग यानी जो दोहे से संबंधित प्रसंग है उसको ध्यान रखना है कि ये रचित दोहा रहीम द्वारा रचा दोहावली से संकलित है, और इसमें व्युक्ति आने पर संपत्ति विनाश का वर्णन जिस तरह किया गया, अभी संपत्ति और जो होती है वो किस प्रकार से हमारी नष्ट हो जाती है, तो उसका वर्णन किया गया बच्चों इसमें, और विशेष के रूप में तो यहाँ पर हम मानेंगे दुख और सुख, ये दो जिंदगी के दो पहलू हैं, उसी प्रकार से संपत्ति और विपत्ति भी इनके साथ साथ चलती है, विपत्ति आने पर भी धन भी नष्ट हो जाता है और सुख आने पर वही धन संपत्ति हमारी धीरे धीरे कमाने से वापस आने लगती है। तो इस प्रकार से हम इसको विशेष रूप में रखेंगे बच्चों, और यहाँ पर हम और अनुप्रास और उदाहरण जो अलंकार है उसका भी मतलब सहज प्रयुक्त किया गया है, तो इस तरह से आप इसको अपनी विशेष के अंदर रखेंगे, तो बच्चों समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम नेक्स्ट दोहे के अंदर, मांगे घटत रहीम पद, तो यहाँ पर देखिए आप मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पैग, पैग यानी पैर की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर, तीन पैर से यानी तीन पैर के या तीन कदम से वसुधा करो, पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, आकाश पताल को भी यानी नाप लिया था, तहु बावने नाम, तो नाम यहाँ भगवान विष्णु के जो वामन अवतार जो बच्चों धारण किया था उसके उदाहरण से यहाँ पर रहीम जी दर्शा रहे हैं कि मांगे घटत रहीम पद, पद कहते हैं आदर समान, ये अगर हम याचना करते हैं किसी से, अगर मांगते हैं तो हमारा मान घट जाता है, आता है हमें हर किसी से कुछ भी मांगने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर प्रस्तुत जो दोहा है कि हम दोहावली के नीति दोहे के पास से लिया गया है, इस तरह से हम दर्शाएंगे बच्चों, इसमें याचक बनने पर गौरव घट जाने का वर्णन किया गया है, या हमें आदर समान घट जाने का वर्णन किया गया है, इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। और व्याख्या के रूप में कवि रहीम जी कहते हैं कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो, एक बार अगर वो याचक बन जाता है, अगर वो मांगने लग जाता है, अगर वो मांग लेता है, तो उसका हर जो मान है वो वापस लौट कर नहीं आता, जो किसी प्रकार का उसका मान घटा वो वापस लौट कर नहीं आता, इसलिए कहा है मांगे घटत रहीम पद, यानी मांगने से, रहीम जी कहते हैं कि मांगने से जो कोई भी व्यक्ति कितने बड़ा क्यों ना हो उसका जो पद है, उसका मान सम्मान है, आदर है, वो घट जाता है। कितो करो बड़ी काम, बाद में कितना ही बड़ा काम क्यों न कर ले, अगर हमने एक बार अगर किसी से हाथ फैला लिए, मांग लिए, तो वो हम मान आदर जो हमारा जो घटा है उसे हम वापस नहीं प्राप्त कर सकते, फिर कैसे कितने भी इस रोजे। तो जैसे बच्चों हमने पीछे भी एक दोहा पढ़ा था, फिर फटेत माथन जो बच्चों दिया हुआ था ना, दूध फटे न मक्खन होए, तो वो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि फटे दूध से जिस मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार से यहाँ पर एक बार मान सम्मान अपना चले जाने पर हम कितना भी बड़ा काम क्यों न कर लें, हमें वो वापस मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस प्रकार से तीन पैग वसुधा करो, यानी भगवान ने याचक बनकर जब जिस बलि से वो मांगा था उसको, यानी कि जो उसको अपने याचक बनकर बच्चों बलि जो राजा था वो बड़ा महादानी था, बड़ा शूरवीर था, तो उसकी उससे जब भगवान ने जो याचक बनकर तीन पग में समस्त पृथ्वी आकाश आदि पताल सबको नाप लिया था, नापने के बाद भी जब तहु बावने नाम यानी मांगने मात्र से भगवान ने जब वापस भी अपना रूप धारण कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको नाम क्या रख दिया, वामन अवतार, जैसे वामन अवतार ही कहते हैं भगवान विष्णु का वामन अवतार, यानी बोना ठिगना, यानी उस तरह बोना नाम भी उनको जाना जाता है नाम से, यानी भगवान होते हुए भी वो जिस प्रकार से याचक बनकर जब ऐसी बलि राजा बलि से जब इस प्रकार की याचना की, तो वो इस याचना के कारण भी उन्हें वापस भगवान विष्णु का अवतार न कहकर वामन अवतार कहा जाता है, यानी लोग आज भी उनको वामन अवतार ही कहते हैं, यानी बोना ठेगना अवतार के रूप में ही
जानते हैं। यानी इसलिए से व्यक्ति कितनी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो याचक बन जाता है, मांगने लगता है या मांग कर कुछ करता है, तो बच्चे बाद में कितनी बड़ा क्यों ना बने, वह उसकी वो आदर मान सत्कार वापस नहीं पा सकता। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से हमें याचना करने से बचना चाहिए, हमें अपने बल पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने स्वाभिमान पर ही अपने निर्भर रहते हुए हमें सुख दुख के जैसे भी दिन है हमें व्यतीत करने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों यहाँ याचक बनने से जो प्रतिष्ठा की जो हानि होती है, नुकसान होता है, उसकी वेदना की गई है। और वामन अवतार की पुरानी कथा को भी लोक व्यवहार में दर्शाते हुए रेम जी ने बड़ा उत्कृष्ट वर्णन किया है। और वो जो अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है इसमें, जिस तरह काम नाम, जिस तरह से आखिरी के अंदर जो वर्ण सवर वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वो तो जैसे यहाँ पर तो आम है ना, दोनों तरफ से देखो तो आ में आम जिस तरह से आ रहा है, यानी कि के साथ में आ लगा तो का बना, न के साथ में आ लगा तो ना बना। तो इसी प्रकार से तो ये आ आ और मैं वर्ण की जिस तरह से मान लो आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ कितो करो, तो यहाँ पर इसमें भी अनुप्रास अलंकार नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको अनुप्रास अलंकार मानेंगे। तो इस पूरे दोहे को रखते हुए हम अनुप्रास अलंकार मानेंगे। और दृष्टांत अलंकारों का भी इसमें बच्चों प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर उस्मान यानी भगवान विष्णु के द्वारा वामन अवतार को भी एक दृष्टांत अलंकार के रूप दर्शाया यहाँ पर। तो ये भी एक सहज और सरल अलंकार का प्रयोग करते हुए रहीम जी ने दर्शाया। तो इस तरह से भी बच्चों अपने विशेष के अंदर रखेंगे बच्चों इसको। नेक्स्ट चलें आगे देखिए, मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश। तो यहाँ रहीम जी जब समुद्र मंथन किया गया था, तो उसमें जो भयंकर जो जहर निकला था, विष निकला था, उस विष को जब कहीं भी मान लो उसको नहीं डाल सकते थे, कहीं भी उसको नहीं रख सकते, तो विष पूरी सृष्टि के लिए वो खतरनाक हो गया था, जिसे कालकूट विष के रूप में जाना जाता है बच्चों। तो उसको मान लो किसी तरह से मान लो उसको नष्ट करने के लिए या उसको किसी तरह से इस पृथ्वी से हटाने के लिए सारे देवतागण भगवान शिव के पास जाकर आग्रह करते हैं, उनको मान सम्मान के साथ मान लो उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो शिव जी ने वो कालकूट विष पिया था और पूरे विश्व में जगदीश्वर के नाम से पूजित हुए थे, तब से उनको जगदीश्वर के नाम से जाने लगा था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश। अगर हम मान सम्मान के साथ अगर किसी भी अगर हमारे पास कोई भी कैसा ही व्यवहार हो जाए या कितनी भी अगर संकट कष्ट क्यों ना हो, अगर वो मान सम्मान के साथ अगर हम सहते जाते हैं, तो भी हमारा मान होता है, आदर सत्कार होता है। जिस प्रकार से भगवान ने मान सम्मान के साथ जब वो कालकूट विष पीकर पूरे संसार में जगदीश्वर के नाम से पूजे गए भगवान शिव, जो शंभु यानी शिव को कहा गया बच्चों, भय यानी जगदीश यानी पूरे विश्व जगदीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, लेकिन बिना मान के छल कपट के द्वारा जब विष मतलब के बाद में जैसे अमृत निकला था, और उस अमृत का जब देवताओं को पान करवाया जा रहा था, तो बच्चों जो ये राहु था उसने छल कपट करते हुए देवताओं का रूप धारण करते हुए अमृत पी लिया था, लेकिन वो भी उसे अपना सिर कटाकर बच्चों जब भगवान विष्णु ने उसका सिर काटकर उसे मतलब अलग कर दिया था धड़ से, जो आज राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं, तो ये उनकी बात हो रही है बच्चों। जो कुटिलता के द्वारा उन्होंने अमृत पान किया, तो उसे अपना सिर कटाना पड़ा था, अपमानित होना पड़ा था। अर्थात यहाँ पर मनुष्य के लिए कहा गया, यानी रहीम जी कहते हैं कि हमें अपना जो जीवन है ये बिल्कुल मान सम्मान आदर के साथ व्यतीत करना चाहिए, चाहे हमारे दिन कैसे सुख के हों या दुख हो, यानी यहाँ विष और अमृत यानी सुख और दुख के रूप में यहाँ पर मतलब दर्शाया बच्चों कि अगर हमारे दिन चाहे सुख के हों चाहे दुख के हों, हमें अपना जो जीवन है वो समान आदर के साथ व्यतीत करना चाहिए। कुटिल व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, कुटिल व्यवहार को हमें त्याग कर देना चाहिए, क्यों कुटिलता रूपी जो व्यवहार है वो मनुष्य को अपमानित मालूम करने वाला जीवन होता है, अतः हमें इससे व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, यानी इस प्रकार के अपमानित जीवन से व्यक्ति कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या के रूप में करेंगे। और प्रसंग वही पीछे जो हम दोहराते आ रहे हैं, परसों द्वार हेम द्वार रचित द्वावली से संकलित,
नित्य के दोहे से शीर्षक लिया गया है। इसमें समान से विष पान करना भी श्रेष्ठ बताया गया है, यानी अदर मान के साथ अगर हमें कितने कष्ट क्यों न सहना पड़े तो भी वो अच्छा होता है, लेकिन अगर हम किसी छल कपट के द्वारा अगर किसी सुख की कामना करते हैं या अन्य किसी की पाने की कोशिश करते हैं तो वो भी हमारे लिए कष्टकारी हो जाती है, अपमानित करने वाली स्थिति बन ही जाती है। इसलिए हमें ऐसे छल कपट से बचना चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ समुद्र मंथन की जो पौराणिक कथा है उसको भी लोक व्यवहार के रूप में दर्शाकर कवि ने हमें समान रक्षा का संदेश दिया है। भी समान रक्षा, हमारे समान की रक्षा करनी चाहिए हमें, चाहे किसी प्रकार का कितने कष्ट क्यों न झेलना पड़े। और यहाँ विषपान को भी बड़ा माना है अपमान वाले जीवन से, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं बच्चों। तो इसमें जीवन की एक रहस्यमय जीवन के जीने की यहाँ पर एक परिकल्पना को दर्शाया बच्चों। तो नेक्स्ट चले हम आगे, रहसी कहते हैं आगे नेक्स्ट में, फिर हेमन जीवा बावरी कही गही सर्ग पताल। यानी यहाँ पर हमारे जो वचन होते हैं, बोलने का जो तरीका होता है, या हमें किस प्रकार की वाणी की महानता को दर्शाया गया बच्चों यहाँ पर। तो यानी ये दोहा भी हमारे पाठ्यपुस्तक है ना बच्चों, इसको जो दिखाएंगे पाठ्यपुस्तक जो हमारी जो रहेगी सर्जना पाठ्यपुस्तक से अध्याय नंबर 3 से दोहावली रहीम जी के द्वारा दोहावली से संकलितांश मतलब दोहे हैं, इन शब्दों से मतलब बताया गया है इसमें कि हमें सोच समझकर वाणी बोलनी चाहिए या हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, इस तरह से हम बच्चों इसको दर्शाएंगे। और व्याख्या के रूप में बात करें तो रहीमन जीवा बावरी, रहीम जी कहते हैं कि जीव तो एक ऐसी बावरी है, ऐसी पगली है जो कुछ भी बोलकर कही गई सर्ग पताल, मतलब कुछ भी कहकर वो मुँह के अंदर जाकर छुप जाती है, यानी अंदर चली जाती है। इसमें अपु तो कहीं भीतर रही, यानी आप तो वो कहती हुई भीतर चली जाती है। और जूते खात कपाल कहते हैं सिर, लेकिन जो जूते पड़ते हैं वो उस बेचारे बेकसूर सिर को खाने पड़ते हैं जिसका कोई कसूर ही नहीं होता। तो यहाँ रेम जी कहते हैं कि जीव तो ऐसी पागल है जो कुछ भी बोलकर आकाश पताल की मतलब ऐसे अर्थ व्यर्थ की कह सकते हैं अनुचित बातें बोलकर झट से मुँह के भीतर चली जाती है, परंतु इसके कारण जो जूते हैं वो सिर को खाने पड़ते हैं। तो अतः हमें तो यहाँ बच्चों मनुष्य को यहाँ पर दिया गया है कि हमें भी अपनी वाणी को नियंत्रण रखना चाहिए, हमें ऐसी अनगल या व्यर्थ की बातें किसी के चुभने वाली बातें कभी नहीं करना चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें अपनी वाणी को सोच समझ कर मतलब कह सकते हैं अवसर के अनुकूल या सबके हित के लिए जो उचित हो ऐसे ही हमें बोलना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है कि इस तरह से हमें अपनी वाणी अपनी जीव के अंदर मधुरता रखनी चाहिए, दूसरों के प्रति स्नेह भाव या उचित रूप से वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्यों अनुचित वाणी हमें कभी भी कष्ट में डाल सकती है, संकट में डाल सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया गया बच्चों। तो यहाँ पर ये पताल कपाल जिस तरह से बच्चों आखिर के अंदर स्वर वर्णों की जो अनंत्या अनुप्रास अलंकार के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे यहाँ पर। तो आगे चले नेक्स्ट, अमृत ऐसे वचन में रहमन ऋष की गांस। तो यहाँ बच्चों ऋष यानी कहा गया है अमृत ऐसे वचन में रहमन ऋष की गांस जैसे मिश्रियों में मिली, मतलब मिश्री जो बच्चों एक बहुत मीठा पदार्थ होता है, जानते हो आप मिश्री को बिल्कुल चीनी की तरह, जैसे मिश्री ही में मिली नीरस बांस की फांस। तो बच्चों ये बांस की फांस की बात करें तो जो एक बांस जो होता है उस बांस की बिल्कुल बारीक रेसे बनाकर और उस मिश्री को बनाते समय उसमें डाली जाती है बच्चों, एक धागे के रूप में पहले डाला जाता था लेकिन आज तो वह नहीं डाला जाता, आज तो हम देखते हैं बिल्कुल एक सूत का सा धागा निकलता है, लेकिन जो पहले पुराने समय में जब इस प्रकार के धागे नहीं होते थे तो वो बांस की फांस बनाकर बिल्कुल बारीक रेसे की तरह बनाकर मिश्री बनाते समय वो डाला जाता था। तो यानी रहीम जी को इसका ज्ञान था, तो उन्होंने इसमें भी अपने दर्शाया कि अमृत ऐसे वचन में
रहीमन रिज की फांस, यानी रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि मधुर वचनों के बीच में अगर क्रोध की बात आ जाए तो वह पूरी की पूरी जितने भी ऐसे मधुर वचन होते हैं उन सबको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। वो हमारे मन के अंदर खटक जाती है या सुनने वाले के मन में भी खटक जाती है। यानी जिस प्रकार से जो मिश्री होती है वो बड़ी मधुर होती है, खाने में बड़ी मीठी होती है, लेकिन उसके बीच में जैसे ही वो जो बांस की फांस होती है अगर वो गले में अटक जाती है खाते समय, तो वो जो मीठी मिश्री है उसका भी जो स्वाद होता है वो भी हमारा चला जाता है, हमें थोड़ा कष्ट का अनुभव होता है। इसी प्रकार हमें भी अपने मधुर वचन होते हैं उनके बीच में कभी भी क्रोध रूपी ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें इस प्रकार के वचनों से बचना चाहिए। यानी वाणी पर हमें नियंत्रण और मधुरता होनी ही चाहिए, उन मधुर वचनों के बीच में किसी भी प्रकार की ऐसी कठोर कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो ऐसे वचनों के लिए कहा गया बच्चों, भी अमृत ऐसे वचन में, यानी कि अमृत रूपी जो वचन है उनमें कभी भी रीस की गांस, मतलब वो रीस की जो कड़वे वचन होते हैं या क्रोध रूप में अगर आने वाले ऐसे कोई कड़वे वचन है तो वो उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको उसमें दबा लेना चाहिए, हमें उसको व्यक्त नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मिश्री कितनी मीठी क्यों नहीं हो, अगर हमें अच्छी लग रही है तो उसके बीच में अगर वो बांस की फांस अगर हमारे गले में अटकती है तो उसकी जो मिठास होती है मिश्री की वो भी धीरे धीरे हमें कड़वी लगने लगती है, वो भी हमारे हमसे मतलब वो टेस्ट होता है वो हमारा नहीं रह पाता। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर अमरवाणी को महत्व दिया गया है कि हमें उसमें किसी भी प्रकार की जो कड़वाहट है उसको कभी भी नहीं आने देनी चाहिए, अपनी जो अमृत रूपी वाणी है उनमें कभी भी ऐसे कठोर वचनों को नहीं आने देना चाहिए। जिस प्रकार से मिश्री में वो बांस की जो गले में जो फांस है वो फंसने पर कष्ट देती है, उसी प्रकार से अमृत वचनों में अगर कड़वे वचन का प्रयोग होता है तो भी हमें वो कष्ट देने वाला होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जिस प्रकार से संत जो महात्मा है वो उसी अमृत वाणी को हमेशा लेकर चलने की सलाह देते हैं, रहीम जी भी हमें बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर अमृत वाणी को बनाए रखने की बात कहते हैं, संजो कर रखने की बात कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार का बच्चों है ही, जैसे गांस फांस दिया हुआ है तो इसमें वही स्वर वर्ण की आवृत्ति हर एक दोहे में आपको मिल ही रही है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसे अनुप्रास अलंकार के रूप में मानेंगे। और उदाहरण दृष्टांत दिया हुआ है यानी मिश्री के साथ, जिस तरह मिश्री मतलब बनी खाते हैं बनी होती है किस तरह से, और उसको खाते वक्त किस तरह से जो बांस की फांस है हमारे गले में फंस कर कष्ट देती है, उसी प्रकार से अमृत वचन में भी अगर हम अपने क्रोधित या क्रोध होकर हम अगर कुछ ऐसे कड़वे वचन बोलते हैं तो वो भी अमृतवाणी को नष्ट कर देते हैं, उस अमृतवाणी रूपी प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो अतः हमें इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाएंगे कि यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है मिश्री के रूप में। तो इस तरह से बच्चों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये हमारा अध्याय आज बच्चों यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो अपनी बुक पास में रखते हुए बच्चों अच्छी तरह से इसका अध्ययन करेंगे आप, और आपको अच्छी तरह से हर एक दुआ बहुत ही सिंपल दिए हुए, ये थर्ड क्लास से पढ़ते आए हैं उन्हीं को यहाँ पर रिपीट किया गया बच्चों, और बहुत ही अच्छे तरीके से रहीम जी ने अपनी कला के द्वारा दोहा जो है ना वाणी कला के द्वारा किस तरह से दोहों को रचते हुए हमें जीवन का पूरे एक जीवन भर का मतलब ऐसे सार्थक वचनों के द्वारा जो हमें जीवन जीने की एक प्रेरणा देते हैं, एक अच्छा जीवन जीने की या सदाचार जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, और किस तरह से हमें कष्टों से बचते हुए अपने जीवन को सुख में बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं हम शब्दार्थ के रूप में। देखिए आप शब्दार्थ, लघु कहते हैं छोटा, सीप कहते हैं सीपी, जो बच्चों समुंदर के किनारे या रेत उसमें जिसमें मिली जाती है संघ के समान होती है। काज यानी कहते हैं कार्य को, बादर यानी बादल, पैग यानी पैर या कदम को कहते हैं, रीस यानी क्रोध, तलवारी कहते हैं तलवार को, भुजंग कहते हैं सर्प को, ये एक प्राय प्राय नाम है उसका प्रायवाची, कुसंग यानी बुरी संगति, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को या धरती को, जीवा यानी जीव, मिश्री हूँ कहते हैं मिश्री, कदली यानी केला, स्वाति कहते हैं एक नक्षत्र का नाम है बच्चों ये, विष यानी जहर, बावने यानी वामन, वामन अवतार यानी बोना,
ठीक है ना, जिस तरह से कहते हैं कपाल कहते हैं सिर को, और नीरस कहते हैं रसहीन यानी बिना रस के। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं इसमें वस्तुनिष्ठ पर्सन। रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख जो विशेषता है वो किसको बताया गया बच्चों? तो रहीम जी के जो काव्य के सर्वाधिक अगर प्रशंसा की बात की जाए तो हम या विशेषता की बात की जाए तो किससे प्राप्त हुई है उनको, यानी कि प्रशंसा किससे ज़्यादा मिली है, या कह सकते हैं विशेषता किस में नज़र आती है? तो बच्चों या हम जैसे समासिकता या श्रृंगारिकता या नित्य प्रवणता या अनुभव संकुलता। तो बच्चों नित्य प्रवणता यानी उनके जो नित्य परक दोहे हैं, और हमारा लेसन का नाम भी नित्य परक जो दोहे के रूप में दिया हुआ बच्चों नित्य के दोहे, तो यहाँ पर उनको नित्य प्रवणता के रूप में मिला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नित्य प्रवणता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, विपत्ति में धन किस प्रकार से लुप्त हो जाता है? तो प्रातःकालीन तारों की तरह, मित्र की तरह, दुश्मन की तरह या हवा की तरह? तो बच्चों यहाँ पर ए नंबर रहेगा, प्रातःकालीन तारों की तरह, प्रातःकालीन तारों की तरह। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा इसमें। तो आप अच्छी तरह से इन दोनों को जो बुक के अंदर जो कॉलम बने हैं उसके अंदर या बच्चों इसको दर्शाएंगे। तो बाकी का हम अध्ययन अपने अभ्यास प्रश्न के रूप में आगे क्रमानुसार आगे हम अपने जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर करेंगे बच्चों। जय हिंद।